हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शिका। आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आप सब ने न्यूज सुन ही ली होगी कि 2023 का सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ गया है। अब आपका जुलाई में जो पेपर होना है, तो आपके पास अप्रैल तो जा ही रहा है, आपके पास अब 2 मंथ बचते हैं, मई और जून। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। अब आपको सीटेट अपना कैसे क्लियर करना है इन 2 मंथ्स में। तो देखिए, मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था, प्राइमरी और जूनियर दोनों ही, पर मैंने उस टाइम इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी। तो 105 मार्क्स मेरा प्राइमरी में है और मेरा जूनियर में 109 मार्क्स है। तो आप सभी जान रहे हो कि इलेक्शन चल की बात जो इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद हमारा को एक बार सुपर टेट भी देखने को मिल सकता है। तो जो न्यूज़ आ रही है कि 1/4 मार्क्स हमारा जुड़ेगा, तो अगर 1/4 मार्क्स हमारा जुड़ता है तो हमें एटलीस्ट 125 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए कि ताकि हमारी अच्छे एकेडमिक सारा बन जाए। तो इसलिए मैं फिर से ही फॉर्म डालूंगी सीटेट का और मैं फिर से आपकी अच्छे से प्रिपरेशन देख कर दूंगी। ऐसे तो मेरा क्वालिफाई है, पर मैं एक बार 125 मार्क्स के लिए ही अपनी सीटेट पढ़ रही हूँ। तो आप सीटेट कैसे प्रिपेयर करेंगे वो आप जानने के लिए आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो पहली बात ये है कि जो आपके 2 मंथ है ये सफिशियंट है सीटेट को एग्जाम क्लियर करने के लिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा ऐसा रो नहीं है कि आप सीटेट का एग्जाम 2 मंथ में पास नहीं कर सकते हैं। आप इजिली अगर ढंग से पढ़ते हैं तो 2 मंथ हमारे लिए सफिशियंट है, पर आपको 2 मंथ अच्छे से देना ही पड़ेगा। तो आपको मैं अगर बताऊं कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो सबसे पहले तो देखिए, आप बहुत सारे नोट्स और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मत भागिए कि हमें कोचिंग कर लेनी है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। अगर आप कैपेबल नहीं है तो ही आप कोचिंग वगैरह कहीं जाके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अध्ययन मंत्रा, हिमांशी मैम की क्लासेस जो होती हैं और सचिन सर की क्लासेस जो होती हैं, आप ये तीनों क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। देखिए, कुछ चीज़ें मैंने उनसे पढ़ी है, मैंने नोट्स बनाया। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको वो सब प्रोवाइड करूँ, वो कैसे उन्होंने पढ़ाया था, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो भी एक नया सेपरेट वीडियो में शेयर कर दूंगी। पर उससे पहले आप अगर इन तीनों की क्लासेस लेते हैं, आप सीटेट का कोर्स कंप्लीट करने के लिए रोज एक ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। जिस भी टीचर की आपको अच्छी लगती है आप उस टीचर की क्लासेस ले लीजिए। जैसे आप CDP पढ़ लीजिए किसी, जैसे आप हिमांशी मैम का उठा रहे हैं तो आप हिमांशी मैम के ही सारे मतलब लेक्चर्स ले लीजिए। उसके बाद आप मेनली आप प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले तो आप प्रीवियस ईयर को सब, जितनी भी प्रीवियस ईयर के पेपर अब तक आए हुए हैं, आप सबको लगा लीजिए सीटेट में। उससे आपको आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ में आएगा कि आपको सारे क्वेश्चन आ कैसे रहे। मैंने ये बुक ली थी यूथ पब्लिकेशन की, ये मैंने जब पेपर दिया था 2022 में सीटेट का, उस टाइम की बुक है ये है 21 में मैंने यूपीटेट जो आया था उसमें मैंने दे नहीं पाई थी, वो मेरी शादी के कारण। तो मैंने ये लिया था, ये हमारा 1st to 5th के लिए था और ये मेरा 6th to 8th के लिए था। तो मैंने इस दोनों बुक से मैंने प्रैक्टिस सेट लगा लिए थे। अब भी मैं वही करूँगी, सारे प्रैक्टिस सेट में लगा लूँगी। प्रीवियस ईयर हम लोग के बहुत हेल्प करते हैं, उससे हमें मेनली पैटर्न पता चल जाता है कि हमारे क्वेश्चन पेपर में पेपर आएगा ही कैसे। सबसे पहले आपको जानना है कि अगर पेपर आएगा कैसे, तो आप यूपीटेट अगर आपने पहले कभी दिया या फिर अभी यूपीटेट देखा तो उससे सीटेट बहुत अलग है। सीटेट के क्वेश्चंस उससे अलग आते हैं। सीटेट के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमेशा इस बेसिस पे आते हैं कि आप सोचते क्या हो, आपको नकारात्मक और सकारात्मक चीज़ों में ही उसमें डिफाइन करना रहता है। तो हमेशा आप सीटेट पेपर में एक चीज़ रखिएगा, हमेशा जो भी चीज़ें पूछ रहा है उसमें आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देना है। तो आप एक बार क्वेश्चन पेपर लगाइए और कोई भी ऑनलाइन क्लासेस जो टीचर्स आपको अच्छे लग रहे हैं उनसे क्लासेस ले लीजिए और बैठ के सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए। आपको सीटेट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं कि 2 मंथ आपके लिए कम है। 2 मंथ आप सफिशियंट है, आप ढंग से पढ़ेंगे तो सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा, 125 मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। तो आप पढ़िए और मैं आपको भी सीटेट की जितनी भी जानकारी होगी, जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी या फिर जैसे भी सिलेबस कैसे मैं कंप्लीट करी वो सब वीडियो में लेके आऊँगी। तो आपको अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।